जी हाँ, अलीगढ़ में बेगम ने खोल दिया शौहर का सच। बीवी की जुबान पर आ गई पति की करतूत। फिरदौस नगर की बुजुर्ग मुस्लिम महिला ने CAA के खिलाफ होने वाले धरने की पोल खोल कर रख दी। बेगम ने पुलिस की मौजूदगी में अपने पति पर ये साफ साफ आरोप लगाया कि CAA के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट में जाने के लिए उसका पति उस पर दबाव बनाता है। जब पति ने बीच में टोककर कहा कि उनकी पत्नी झूठ बोल रही है, इस पर पुलिस ने पति को कहा कि वो अपनी पत्नी पर इस बाबत दबाव न बनाए। पुलिस ने बुजुर्ग महिला से अपील करते हुए कहा कि अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं अम्मा, अब मत जाना। दरअसल अलीगढ़ में CAA और NRC के विरोध में जीवनगढ़ बाईपास के पास चल रहे धरने को प्रशासन ने 2 दिन पहले हटा दिया था, पर प्रशासन को जानकारी मिली कि सिविल लाइंस और कुआरसी थाना क्षेत्र में कुछ लोग महिलाओं और पुरुषों को अनूप शहर चुंगी पर धरने के लिए उकसा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम ने उस इलाके के घर घर जाकर महिलाओं पुरुषों से अपील की कि वो किसी के बहकावे या दबाव में धरना प्रदर्शन में न शामिल हों। देखिए, चुंगी गेट पर जो लोग धरने में जाते थे उसमें कुछ महिलाओं के बारे में जानकारी मिली और यह पता चला कि इधर नंगला पटवारी और इधर आसपास के इलाके से कुछ लोग इनको प्रेरित करते हैं कि आप धरने पर जाकर के बैठें। आज हमने गलियों का सिविल साहब के साथ दौरा किया, सभी लोगों को समझाया कि इस तरह का काम न करें, अनावश्यक रूप से शांति भंग न करें और न ही धरने पर बैठें। लेकिन समझाने के इस क्रम में पुलिस तब हैरान रह गई थी जब बीवी अपने शौहर को ही उकसाने वाला बताते हुए उस पर बरस पड़ी। पुलिस ने पति को हिदायत दी। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर कोई जबरन किसी को धरने पर भेजता है तो ऐसे शांति भंग करने वाले को नोटिस दिया जाएगा। पुलिस की पहल काबिले तारीफ है, हालांकि कुछ लोग इसे धरनों के खिलाफ दबाव बनाने की प्रशासनिक पहल भी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति, खबरों की दुनिया में धमाका, सबसे पहले सबसे सटीक, बस एक क्लिक खुल जाएगी पूरी दुनिया। www.zhindustan.in